एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ये ना आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में आज हम ऑब्जेक्ट मेथड देखेंगे, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। सो मेरी सारी सीरीज़ देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में हम ट्रांसस्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे और नॉट डॉट जे एस के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है, ताकि हम ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर मोर आगे मूव ऑन कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आई एम गोना डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल एक्स ले लेती हूँ और उसको मैं एक एरे के बराबर कर रही हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट में हम यूज़ जो करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने नेम ले लिया यहाँ पर, नेम के बाद मैं यहाँ पर एफ नेम ले लेती हूँ। उसके बाद एल नेम ले लेती हूँ। एंड देन एज रख लेते हैं, क्योंकि एज ऑब्वियसली इंटीजर है तो कोटेड में तो नहीं आएगा, स्ट्रिंग आ सकता है। ईमेल ले लेते हैं, तो मैंने कुछ ये ऑब्जेक्ट एरे बना दिया, ठीक है। और अब मैं इसमें से जिस चीज़ को भी प्रिंट करना चाहूँगी, मैं सिंपल आप ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आएंगे और जो भी प्रॉपर्टी आपने कॉल करनी है, लाइक अगर आपको एज कॉल करनी है, आपने एज ऑब्जेक्ट पे रखा, सिंपल आपने इसको रन करा दिया, देखिए एज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इस ऑब्जेक्ट के बदले नेम कॉल कराना हुआ, सॉरी दोनों में से हमें एक को कॉल करना था, सो ये देखें कितना इजी है किसी भी ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कराने का तरीक़ेकार। और आपने जब भी कोई मेथड कॉल कराना है ऑब्जेक्ट के अंदर, आप सिंपल वेरिएबल के साथ आप उस ऑब्जेक्ट के नेम को कॉल करा सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल कराना चाहें तो इजीली करा सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ आई वांट टू कॉल द ईमेल, सेम लाइक दैट, मैं ईमेल लिख देती हूँ और अब मैं इसको कॉल कराऊँगी, ठीक है। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें स्ट्रिंग एंड इंटीजर आप इस तरीके से पास करके उसको कॉल करा सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।